दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मेरे साथ ये गुड़िया, मेरी भतीजी, इसका नाम है मोनिका। तो बोलो गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे। जा रही है ये गुड़िया। तो दोस्तों, गुड़िया रानी तो चली गई, अब मुझे अकेले ही वीडियो शूट करना पड़ेगा। तो देखता हूँ दोस्तों, आज खैर मुझे मार्केट भी जाना है और वहाँ थोड़ा काम है मेरा, तो मिलते हैं दोस्तों आपको डायरेक्ट मार्केट में ही। दोस्तों, आज आ रखा हूँ मैं मार्केट और एक इम्पोर्टेंट काम करने आ रखा हूँ। जो मैंने ड्राइंग बनाई थी उन पर मैं उनका फोटो स्टेट निकाला और उन पर लेमिनेशन कर रहा हूँ। अपने 700-800 भाई हैं, इनकी शॉप है ये और यहीं पर आ रखा हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ मैं कि कौन कौन सी मैंने ड्राइंग बनाई थी जिन पर मैं फ़ोटो स्टेट कर रहा हूँ। देखिए, पहला स्केच जो मैंने बनाया था उस पर मैंने फ़ोटो स्टेट भी कर दिया इसके और लेमिनेशन भी कर दिया है। ये मेरे जो नॉर्मल हैं, जो बनाए हुए वो हैं, और ये बाकी सब फ़ोटो स्टेट है भाई। यहाँ कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, राधा रानी की जो मैंने आइज बनाई थी उसका ही। इनको लेमिनेशन करूँगा, सेफ रखूँगा अपने पास संभाल के। एम पे लगा लियो। देखिए दोस्तों, प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। जो मेरी सारी ड्राइंग है और मैं आ रखा हूँ अभी तिलवाड़ा का नज़ारा यहाँ पर। और ये बहुगुणा जी की शॉप है। ये भी हो चुकी है राधेश्याम की फोटो। तो दोस्तों, तिलवाड़ा में काम तो हो चुका है, इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ घर। आज छोटा थोड़ा ही काम था मेरा और ज़्यादा रह के यहाँ फायदा नहीं। दोस्तों, तिलवाड़ा के आने के बाद मम्मी ने मुझे तुरंत खेतों में भेज दिया है, क्योंकि गोबर अभी पूरा पड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो गोबर डालने के लिए भेज दिया है मुझे यहाँ। अब मम्मी ने कहा है तो आना तो पड़ेगा ही, और वैसे भी आजकल हल लगा रहे हैं लोग, अब हम लोग भी हल लगाएंगे अपने खेतों में। तो अभी गोबर लाया हूँ दोस्तों। ये है दोस्तों वो कट्टा है, वैसे तो कंडे पर लाते हैं लेकिन मुझे कंडे पर थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, इसीलिए मैं जो है कट्टे पर लाया हूँ। और इस पर ज़्यादा भी आता है, बहुत बड़ा कट्टा है और इस पर ज़्यादा भी आता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कट्टे पर ही सही होगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, हाँ, लगाने की तैयारी। इतना गोबर पड़ चुका है, इतना बचा हुआ है, ये मेरे ताई लोगों का खेत है, इसमें तो हाल लग चुका है। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर आ रखे हैं ये खेतों का काम करने के लिए हमारी भाभी जी और सोनी। ये सर मार रहे हैं, कोई नहीं, बड़े पर्दे पर शरमाते ही हैं ये। ये देखिए, यहाँ का टावर है, ये वोडाफोन का टावर है ये जो देख सकते हैं टावर। नेट थोड़ा कमजोरी चलता है। ये पीछे गांव है, नीचे जेली गांव है, और ये नई सड़क जा रही है ऊपर, ये जेली पाली उस उधर मुसडूंग, ये पूरे गांव है हमारे, गांव के जो उधर पड़ते हैं हमारे गांव, तो इस साइड है। ये हमारी सार है पूरी, मतलब जहां हमारे खेत होते हैं, यहां बहुत ज़्यादा खेत हैं गांव वालों के। दोस्तों, आजकल जो ये महीना लगा हुआ है, तो आजकल जिस चीज़ की खेती होती है वो है धान और झंगोरा की आजकल खेती होती है, तो उसी की तैयारी चल रही है और इसके बाद जस्ट इसी की खेती होगी। और ये महीना बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहावना महीना है मार्च का, और कुछ ही दिनों पश्चात फूलदेई का त्यौहार भी आने वाला है, जो कि हमारे पहाड़ों में बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। और होली का भी त्यौहार वैसे आने वाला है, आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। ये मेरी भतीजी, और आजकल इसके पेपर हो रहे हैं, आज तो छुट्टी है खैर, इसीलिए वो ये घास के लिए आ रही है अपनी मम्मी के साथ मदद करने के लिए खेत में।
और ये कशिश, इसके भी आजकल पेपर ही चल रहे हैं। कौन सी क्लास में है तू? सिक्स में। तू कौन सी क्लास में है? ये एट्थ क्लास में है। तो छुट्टी के दिन थोड़ा सोचा उसने कि घास के लिए चले जाऊं। बाकी आप देख ही रहे होंगे कैसा माहौल है वीडियो के जरिए। तो मैं तो चलता हूँ, ठीक है सोनिया है? ओके ठीक है। हल लगा के आ गए हैं हमारे बड़ी।